अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यकीनन हम सब सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाती आवाज़ के साथ अपनी खूबसूरत दिन का आगाज़ करते हैं। ये परिंदा हमारे इतने करीब होकर भी हमसे अनजान है। इसके बारे में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हम में से अक्सर बेशतर लोग बिल्कुल भी नहीं जानते, जैसा कि ये नन्ना सा खूबसूरत परिंदा पानी में तैरता है। क्या आपको इस बात का इल्म था? यकीनन नहीं। आज की इस वीडियो में हम इस नन्हे से खूबसूरत परिंदे के बारे में बहुत से हकायक से पर्दा उठाने वाले हैं, लिहाजा आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, और नए आने वाले सार्फिन से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन पर भी ज़रूर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों, चिड़िया का साइज़ 14 से 16 सेंटीमीटर तक होता है और ये चिड़िया 38.5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ सकती है, लेकिन कभी कभार इसे 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भी उड़ता देखा गया है। चिड़िया हमेशा 3 या 5 अंडे देती है और 15 दिन के लिए चिड़िया और नर चिड़िया दोनों इसकी हिफाजत करते हैं। दोस्तों, चिड़िया हमेशा शहरी आबादी में देखने को मिलती है, जबकि जंगलात और दूर दराज के इलाकों में ये जानवर रहना पसंद नहीं करता। दोस्तों, आमतौर पर चिड़िया की उम्र 5 साल तक देखी गई है, लेकिन जंगल में रहने वाली आज़ाद चिड़ियों की उम्र 15 साल तक भी रिकॉर्ड की जा चुकी है। जापान में लोग इन चिड़ियों को वफादारी का सिंबल समझते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक का बटन भी दबा दें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चिड़िया कभी भी अपना घर छोड़ के कहीं नहीं जाती? मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जिस जगह मौजूद होती है हमेशा वहीं रहती है और ये अपनी जगह तब्दील नहीं करती। दोस्तों, चिड़िया बहुत ही समझदार परिंदा है, इसका अंदाज़ा शायद आपने किया होगा, क्योंकि ये बहुत समझदार है, लिहाजा अगर आप इसे दाना या पानी देते हैं तो इसको समझने में ज़रा भी टाइम नहीं लगता कि आपने इसके लिए क्या किया है। दोस्तों, चिड़िया हमेशा पेपरमिंट की खुशबू से दूर भागती है, ये इसकी कमज़ोरी आप समझ सकते हैं। चिड़िया के बारे में समझा जाता है कि ये नॉर्थ अमेरिका की रिहायशी थी, उसके बाद ये पूरी दुनिया में फैली, और कुछ का कहना है कि चिड़िया मिडल ईस्ट से तल्लुक रखती है। दोस्तों, अगर आप एक नकली उल्लू बनाकर इसको चिड़िया के घोंसले के करीब रख देंगे तो चिड़िया अपना घोंसला छोड़कर चली जाएगी, या फिर इस घोंसले में मौजूद अंडे अगर आप तोड़ देते हैं, उसे ज़ाया कर देते हैं, तो चिड़िया वो घोंसला छोड़कर चली जाएगी। दोस्तों, चिड़िया की तकरीबन 26 प्रजातियाँ हैं, जिनमें से 5 सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही पाई जाती हैं। आमतौर पर ये छोटा सा नन्ना खूबसूरत परिंदा पहले बहुत ही ज़्यादा मकदार में पाया जाता था, लेकिन ये बड़ी जल्दी से नायाब लिस्ट में शामिल होता जा रहा है, और इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, जैसा कि इनका शिकार वगैरह। दोस्तों, चिड़िया हमारी पूरी ज़मीन पर फैली हुई है, ये माँ सवाए अंटार्कटिका के आपको हर जगह ही मिलेगी, चाहे आप शहर में हो या गांव में, आपको आसानी से ये चिड़िया मिल सकती है। दोस्तों, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इस वीडियो से पहले आप चिड़िया के बारे में इतनी ज़्यादा बातें नहीं जानते थे, तो फिर मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि इससे मेरा हौसला मज़ीद बढ़े और मैं आपके लिए नई नई इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दवाओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगेबान।